हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद आम आदमी पार्टी के लिए बधाइयों का तांता सा लगा हुआ है, मगर इसी तारीफ की आड़ में कई पार्टियों ने बीजेपी पर जमकर तंज कसा, खासकर पुराने दोस्तों ने। दिल्ली के विधानसभा चुनावों ने आम आदमी पार्टी को दोबारा सत्ता में वापसी करने का बेहतरीन मौका दिया। वहीं बीजेपी को इन चुनावों ने कई सारी चेतावनियां भी दी हैं, मगर कई पार्टियों को तो बीजेपी पर तंज कसने का भी मौका मिल गया है। राष्ट्रवाद पर क्षेत्रवाद के भारी पड़ते ही उन सभी पार्टियों ने तंज के तीर साधना शुरू कर दिया जिनकी राजनीति क्षेत्रवाद पर काफी निर्भर करती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद शिवसेना और बीजेपी के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर जो खींचतान हुई थी वो किसी से छिपी नहीं है। हालत ये हो गई थी कि सीएम की कुर्सी के लिए शिवसेना ने केंद्र का पद तक कुर्बान कर दिया था, जिसके बाद से ही बीजेपी बार बार शिवसेना के हिंदुत्व को लेकर सवालिया निशान लगाती रहती है। अब दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद शिवसेना को एक नया मौका मिल गया है, जिससे वो बीजेपी की सियासत पर लगातार निशाना साध रही है। अकेले केजरीवाल, पूरी केंद्र सरकार और शक्तिशाली बीजेपी पर भारी पड़े। केजरीवाल को हराने के लिए बीजेपी ने देश भर से 250 सांसद, 2-400 विधायक, मुख्यमंत्री और अन्य राज्यों के मंत्रियों सहित पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल को मैदान में उतार दिया था, लेकिन इस फौज को आखिरकार दिल्ली के मैदान में हार का स्वाद ही चखना पड़ा। बीजेपी ने दिल्ली के लिए जिस तरह से हाथ पैर मारा और जो चुनावी नतीजे आए हैं उसके बाद से क्षेत्रीय पार्टियां लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तो बीजेपी की इस हार के बाद पार्टी को सीधा सीधा अल्टीमेटम ही दे दिया है कि बंगाल में होने वाले चुनावों में भी बीजेपी को ऐसे ही परिणामों का असर देखना होगा। बीजेपी ने दिल्ली में छात्रों और महिलाओं का शोषण किया, पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारा जवाब मिला है। बंगाल में 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को इसी तरह के परिणामों का सामना करना होगा। केवल विकास के कदम ही लोगों पर छाप छोड़ेंगे, CAA, NRC और NPR को खारिज कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी TMC के बीच की जंग काफी ज्यादा गंभीर हो गई है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 18 सीटों पर कब्जा करके ममता बनर्जी को चौंका दिया था, मगर CAA और NRC के आने के बाद वहाँ कुछ सीटों पर हुए उपचुनाव बीजेपी बुरी तरह से हार गई, जिसके बाद सीएम ममता को फिलहाल इस बात की उम्मीद थी कि जब बात क्षेत्रवाद की आएगी तो उनका पलड़ा भारी होगा। खैर, इस बात पर मुहर लगाने में फिलहाल काफी समय बाकी है, मगर ये चुनाव भी काफी जोरदार होने वाला है। चलिए, विरोधियों का तंज कसा जाना सियासत कहला सकती, मगर दिल्ली चुनावों के नतीजों के बाद बीजेपी के कुछ अपने नेताओं ने भी पार्टी पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने अपने तंज भरे तीर साधने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। मेरी पुरानी पार्टी को शुभकामनाएं। उन्होंने दिल्ली राज्य विधानसभा चुनाव में अपनी टैली यानी पिछले विधानसभा की सीटों को दोगुना से अधिक कर दिया है। शानदार प्रदर्शन। दरअसल पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने सिर्फ 3 सीटें ही जीती थी, जबकि इस बार पार्टी ने 8 सीटों पर कब्जा किया। हालांकि दोनों ही बार पार्टी 2.5 तक नहीं पहुंच पाई, जिस पर तंज कसने में पार्टी के विरोधी जरा सी भी देर नहीं कर रहे। दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद अगला नंबर बिहार का आने वाला है, इसलिए वहां की पार्टियां भी अपनी सहूलियत के हिसाब से सीएम केजरीवाल को बधाई भी दे रहे हैं और बीजेपी पर निशाना भी साध रहे हैं। RJD की कमान संभाल रहे तेजस्वी यादव ने बीजेपी की बयानबाजी पर हमला बोला है। सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जी को हम शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं
और जनता ने अपना जो जनादेश है वो सबों के सामने रखा है और सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार का नफरत का माहौल भाजपा द्वारा जिस प्रकार से फैलाया गया, जिस प्रकार के काले कानून से लेकर के क्या क्या नारे केंद्र मंत्रियों ने वहां नहीं लगाए, एक रात पहले भी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से धन का प्रयोग किया गया, बल का प्रयोग किया गया। हर जगह जो है दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के दूसरे वर्ण को लेकर के गाली देने का काम कर रहे हैं। तो ये जो नफरत और जहर का जो वातावरण जो पैदा किया था भाजपा के लोगों ने, दिल्ली के जनता का जनादेश साफ क्लियर है, काम पे लोग जो है वोट करेंगे। तो दूसरी तरफ बीजेपी के साथी पार्टी लोजपा के अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान ने ट्वीट कर सीएम केजरीवाल को बधाई दी, कहा कि काम के आधार पर अरविंद केजरीवाल को लोगों का आशीर्वाद मिला। आज के दिल्ली के परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि जनता काम के आधार पर इनाम देती है। जिस प्रकार लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी के काम पर वोट मिला, उसी प्रकार आज अरविंद केजरीवाल जी को भी उनके काम के आधार पर जनता का आशीर्वाद मिला। आज के जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं। यानी काम करने पर चिराग पासवान काफी जोर दे रहे हैं। बीजेपी को विरोधियों ने जमकर तंज कसे, मगर कुछ ऐसे थे जिन्होंने पार्टी को अपनी प्रतिक्रिया के जरिए नसीहत देने की भी कोशिश की है। अब देखना तो यही है कि पार्टी नसीहतों पर काम करते हुए तंज का करारा जवाब देती है या फिर वो इन्हें नजरअंदाज करती है। खैर, नजरअंदाज वाला विकल्प शायद पार्टी के लिए अब खुला नहीं है, उसे करारा जवाब ही देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।